पिंड लोधीपुर की 28 साल मोनिका जो बिजली बोर्ड नवांशहर काम करती है 3 बजे वापस घर आ रही थी कि कटारों को लुटेरिया ने दात मार के लुटिया ते गंभीर रूप विच जख्मी कर दिता ते जिसनू हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। थाना और पुलिस वालों जांच की जा रही है। भाजी भी अज बेटी मोनिका दे नाल जी घटना वापरी हैगी आ पूरा किदा की सर मंजर की सर कि सारा भाना पड़ता जी। लड़की बिजली बोर्ड में जॉब करती है जी जी दोपहर जिस तरह टाइम चेंज हुए है सरकार दे जी छुट्टी करके अपने पिंड लोधीपुर जा रही थी तो कटारों दे अगे एक रस्ता है जो लोधीपुर जाता जी उस रस्ते जाद्या ये लड़की स्कूटर से जा रही थी तो जोड़े दो तीन लोग आए उन्होंने लड़की ने जो हिट किया जिन्हें लड़की घबरा के डिग पी डिगन तो बाद परस खोलिया गया तो वह सिर के सट्टा मारिया गई दात मारे गए तो वो लड़की बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होर लोग आए तो उन्होंने देखा जब देखा फिर पता लग गया तो उन्होंने हॉस्पिटल लैके आए तो उन्हें पेरेंट्स को पता लग गया जिन्होंने सिविल हॉस्पिटल उन्हें पहला किया लैके जाने सिविल हॉस्पिटल ने पीजे अप्लाई किया जबकि फिर पेरेंट्स ने फैसला यह लिया कि इन्हों प्राइवेट हॉस्पिटल लैके जो डॉक्टर धमन हॉस्पिटल है इस वेल उसे एडमिट है तो चोट हैगी गहरी बच्चा डर भी गया तो और बेहोशी की हालत में भी लंबा समा रहा तो हाले भी पूरा बच्चा जिला घबराया होया। भाजी फिर मौके से पंजाब पुलिस थाना बंगा तो पहुंचे हाँ जी पहुंचे से जी। अच्छा जी अपने दर्शन सिंह जी तो अपने मनोहर लाल जी आए थे उन्हें अपनी पूरी बन की कार्रवाई की है तो बाकी एस एस ओ साहब बखशीर सिंह गल हुई सी वो कह रहे थे भी अभी पूरी टीम लाती है अभी अपने कैमरे जोड़े थां थे खंगार रहे हैं किधर गए कहीं लभ रहे हैं कहते पूरी अभी इनवैसटीगेशन करेंगे जी। की प्रशासन की मांग अपनी साढ़े वो प्रशासन को यही मांग है कि साड़ी लड़की पूरा न्याय दवाया जाए बाद तो बाद उन्होंने सज़ा दवा दी जाए। असल इस तरह जी पे जी ना कुछ अणपछाते कह सकते हैं ज ये मान लो कि जोड़े नशेड़ी किस्म के लोग जोड़े है जोड़े अटैक करते हैं इन जो प्रबंध वो सरकार को करना चाहिए ता कि जोड़े लोग जिन्हें अटैक होंगे जो एक बार बच्चे सट चोट लग गई वो दोबारा मुड़ के अपनी जिंदगी कि ज़्यादा चोट लग जाए तो बंदा कह सकते कि वह हैंडीकैप्ट ही हो जाता अगे भी बहुत सारे घटनावें इदा दिन आस पास घटक दी है तो प्रशासन तो जिते ये मंग है कि ठीक किया जाए उत्थे नाल दी नाल अजिहा भी जिहड़ा जिहड़ा बच्चे च डर वा दोपहर वेले आना जाना वो दूर तद ही हो सकता जेकर पंजाब पुलिस पूरा अपना जी जॉइंट की जिम्मेवारी से कार्रवाई करे जिम्मेवारी अपनी निभावे कितना कितने लगता रहा कि प्रशासन की यह नरेकी है कि जिहड़ा बार 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 इदां दे अटैक होंदे। आए दिन ही जिला शहीद भगत सिंह नगर विखे लुट्टा खोहां ते चोरी दियां वारदातां हो रही हैं। इसी तरह पिंड लोधीपुर दे प्राइमरी स्कूल विच दूसरी बार चोरी हुई ते चोरां वलों इस बार सारे रिकॉर्ड नाल छेड़छाड़ की गई ते बच्चों के जो खिडौने हैं वह भी चोर अपने नाल लै गए ते कुछ नकदी भी लै गए। तुसी देख रहे हो नवांशहर दुआबा यूट्यूब चैनल ते कश्मीरी लाल कैंत की यह विशेष रिपोर्ट। आए दिन ही इस एरिए नवांशहर जिले के ही चोरिया लुट्टा खोहां दियां वारदातां अक्सर ही पाईया जा रही हैं। लोग इन्ने खौफ विच हन कि उन्हां नूं आण जाण वेले ही बहुत कुछ सोचना पैंदा है ते रात नूं भी सुरक्षित नहीं हन। दिन दिहाड़े लुट्टा खोहां दियां वारदातां हो रही हैं ते रात नूं चोरियां हो रही हैं। तुसी देख रहे हो नवांशहर दुआबा यूट्यूब चैनल ते कश्मीरी लाल कैंत की यह विशेष रिपोर्ट। पिंड लोधीपुर इस बार दूसरी बार इस स्कूल दे विच चोरी हुई है रिकॉर्ड दे नाल छेड़छाड़ की गई है की कहिंदे हन इत्थे दे। हाँ जी मैडम। हाँ जी भाजी अज आप जदों सवेरे 7:30 बजे स्कूल आए हाँ तीनों स्टाफ मैंबर तो असी आके अपना पहला सब तो पहला ऑफिस ही खोलना हुंदा जो असं ऑफिस को ले आए हाँ तो साडे दफ्तर का जिहड़ा लॉक है वह पट के सिटिया होया साइड के उत्ते ते बाकी सारे कमरे दी चाबियां दफ्तर के विच पईयां हुंदियां ते जिस भी जिहड़ा भी चोर है अणपछाता चोर है सानू नहीं पता तो उहने
चाबियां लै के बाकी लॉक वड्डे कमरे का सी आर सी रूम बोल देंगे उन्होंने वो प्रोजैक्टर लगा हुआ उन्होंने भी खोलन की कोशिश की उन्हें लॉक तोड़ के सट दिता बाकी एक लॉक न है सेंटर लॉक है उन्हें नहीं खोलिया वो तो खुलिया नहीं है हो सकता उन्हें ट्राई मारी हो और तीनों अलमारियाँ हर टेबल के जिन्हें भी डॉ है सारिया की उन्हें फरोला फराली की हुई है चंगी तरह बाकी असी अजे तक कुछ भी खोलिया नहीं ना हाथ लाया पुलिस ने इनफॉर्म कर दिता तो सरपंच साहब ने तीन चार बार फोन कर दिता हुआ साढ़े को रिकॉर्ड पे उन्होंने फोन अटेंड करना जरूरी नहीं समझा बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल पिछले तीन क महीनों की गल है वो किसी बंद ने इदा ही अणपछाते ने लॉक तोड़ के सिलेंडर चक्या साडा ठीक है जी तो छोटा मोटा लॉक लुक लै गया और हूँ बाकी चोरी का हूँ असं कुछ नहीं दस सकते जी असी कुछ भी नहीं अपना चैक किया करते हैं पुलिस ने इनफॉर्म किया सरपंच साहब ने फोन चक्या नहीं है तो अलमारियों के सू रिकॉर्ड का पता लगेगा खोले तो कि किन्ना को लै गया कर गया फरोला फराली तीनों अलमारियों की जी तीनों अलमारियों की फरोला फराली हर टेबल दी हर चीज़ की फरोला फराली की हुई उस बंदे ने तो असी यही दरखास्त दे रहे हैं कि करिए सानू सरपंच इतने पंचायत का एक नरेगा की सफाई तो बिना सानू पूरी पंचायत वालों कदे भी किसी मतलब आप आके तो की पूछना साढ़े फोन किया भी जरूरी नहीं समझते अटेंड करना नहीं समझते मतलब हम देखो सरपंच साहब का साढ़े को रिकॉर्ड पे अभी सवेर का चार बार फोन ला लिता उन्होंने बैक कॉल तो की करनी फोन भी अटेंड नहीं किया अजे तक एक सबका सरपंच साहब आए थे देख के चले गए मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की मैं क्या अंकल कि तुम्हें जाना पड़ेगा थाने इदा कहने मेरी बीबा तरीक आ मैं तो कोर्ट में जाना बस इन्नी गल कह के चले गए बाकी एक पंच साहब आए ने जगजीत राम जी उन्होंने देख लिया है वो ही आए है जी अजे तक बहुत किया जी बहुत किया भाई साहब कदे कोई आके पूछे ना इन्ना आसे पासे दी पंचायतां कोऑपरेट कर दी ने स्कूलां दे वास्ते इन्होंने तो कभी पूछे ही नहीं है सबका सरपंच साहब काफी टाइम पहला आए सी मेरे कोले के कहंदे जी इत्थे घा हो गया फलाना हो गया इदां मैं कहया जी जदों मेरे कोल पैसे होणगे मैं करवा लूंगी मैं पौड़ी लै मंगवाई हुण जिन्ना कि मेरे कोल हो सकदा जी कोई दे जांदा माड़ा मोटा किते कोई दान दे जांदा मैं नाल दी नाल कर ही ना स्पेशल कैमरा लगवाया जी हुण इक खर्चा आ जी 4000 रुपया हाँ जी अपने खर्चे खर्चे तो बिल्कुल पाइप लियांदी आ पौड़ी लियांदी जो के पिंड लोधीपुरे प्राइमरी स्कूल जो के पहला भी चोरी हुई है छे दिन के तोड़े बहुत ही माड़ी घटना है असी इसकी पंचायत वालों निंदा करते हैं ये काम पिंड जा होर भी कर सकते होर भी कर सकते इस करके इदा के माड़े कामों वाल नहीं ध्यान देना चाहिए खास करके प्राइमरी स्कूल अपने बच्चे सारे बच्चे पढ़ते हैं तो सारे बेनती है कि बद सहयोग करना चाहिए प्राइमरी स्कूल जो भी होदा की माड़ी घटना नहीं करनी चाहिए स्कूल वालों लगाए गए ना पंचायत ने लगाए हैं सरकार वालों लगे गए हैं ना पंचायत के भी कोई रोल नहीं है असी जिनी हेल्प स्कूल कर रहे हैं बद तो बद लोगों से सहयोग भी लै रहे हैं कार्रवाई कर रही है।
ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਅਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਟਾਫ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਾਸ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ 9763-79499 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੈਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਕੈਂਤ ਗਰਚਾ